बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी फॉर बिगिनर्स, यानी कि पीएचपी इंटरमीडिएट लेवल। और उसके अंदर हम अभी तक तकरीबन इफ कंडीशंस पे काम कर चुके हैं। और इफ कंडीशन के अंदर हमने एक छोटी सी गेम भी बनाई थी पीएचपी टाइल गेम के नाम से, ठीक है, जो कि कंप्लीट कर ली थी हमने। और अब हम जो है क्या करने जा रहे हैं, मगर मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब व्यूवर्स को भी ये बता दूँ कि अगर वो यानी कि इसी चैनल से कंटिन्यू रेगुलरली पढ़ रहे हैं और इफ़ कंडीशन के बाद उनको डाइस गेम नहीं मिल रही, तो डाइस गेम का मेरे पास अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है। तो आप लोग जो डाइस गेम की जो वीडियोज़ हैं वो अलग से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि डाइस गेम की प्लेलिस्ट मैंने अलग क्रिएट कर दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आफ्टर इफ़ एंड आफ्टर डाइस गेम हम आज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं लूप्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लूप्स? रिपीटेशन ऑफ कोड इज कॉल्ड अ लूप, ठीक है। हमारे किसी भी कोड के रिपीट होने को, बार बार रिपीट होने को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। मगर हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि भाई वो चीज रिपीट, क्या बस रिपीट ही होती रहे? नहीं, वो हमारे कंट्रोल में होती है बिल्कुल, और वो हम कंट्रोल कराते हैं विद कंडीशन, विद एनी कंडीशन के भाई कहां से कहां तक मेरा लूप चलता रहे, ठीक है। तो हम उसी पे आते हैं। सही है। उसके बाद क्या कि हमारे पास पीएचपी में चार किस्म के लूप्स हैं। एक फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप, तीसरा डू व्हाइल लूप एंड चौथा फॉर ईच लूप, ठीक है। फोर इच तो स्पेशली डिजाइन है ही एरेज के लिए, तो वो फोर इच को तो हम बाद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जिस चीज को पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, यानी कि फोर वाइल डू वाइल पे हम लेंगे। और ये लूप आप लोगों के पहले भी पढ़े हुए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बंद कर देता हूँ या वेट। हमारे फोर लूप के का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि फोर लूप हमारा थ्री स्टेप्स पे डिपेंडेड है। कितने? तीन स्टेप्स है मेरे पास फोर लूप के अंदर। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप कहलाता है इनिशियलाइजेशन, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन हो रही हो, ठीक है। सेकंड हमारे पास स्टेप कहलाता है कंडीशन एंड थर्ड हमारा स्टेप कहलाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं अच्छे से, ठीक है। अब एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर लूप के अंदर, वो क्या कि हमारा जो फोर लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज एग्जीक्यूट होता है, यानी कि उल्टा चलता है, क्लॉकवाइज नहीं चलता, ठीक है। और वो कैसे उल्टा चलता है वो मैं अभी कोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, सही है। तो मैं अब फिलहाल इसको, इस चीज को मैं मिनिमाइज कर देता हूं। यहां पे मैं एक फाइल बना लेता हूं फोर लूप के नाम से, फोर लूप डॉट पीएचपी, और उसको मैंने एडिटर में ऑन कर लिया एंड उस चीज को मैं यहां पे अपने पास ब्राउजर में भी चला लेता, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि फोर लूप के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? तीन। फोर लूप क्रिएट होता है विद फोर कीवर्ड, ठीक है। उसके ब्रेसेस में आप तीन पैरामीटर्स पास होते हैं, ठीक है। ईच स्टेप क्लोज विद सेमी कॉलन, हर स्टेप, तीन स्टेप्स है ना, तो हर स्टेप हमारा क्लोज होता है सेमीकॉलन, ठीक है, क्लियर है।
यहाँ पे जो है क्या करना है, मैंने मैंने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करानी है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसको मैंने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करा दी। इस स्टेप से पता चलता है कि लूप मेरा स्टार्ट कहां से हो, लूप मेरा स्टार्ट कहां से हो। तो ये स्टार्ट हो रहा है कहां से, वन से, ठीक है। कब तक चलता रहे, क्योंकि बार बार किसी कोड के प्रिंट होने को, रिपीट होने को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, कंडीशन होता है। यहां पे कंडीशन चेक होगी एंड देन थर्ड स्टेप हमारे पास होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। मैं यहां पे इको करके क्या लिख देता हूं, कॉन्केटिनेट करके ए भी लगा देता, सही है। एंड एक और चीज क्या करता हूं कि यहां पे मैं br भी लगा देता हूं ताकि न्यू न्यू लाइन पे मेरे पास चीजें प्रिंट हो। अब इसका फ्लो समझिएगा, जो कि मैंने आपको कहा कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी उल्टा चलता है, वो कैसे, वो समझिएगा कि भाई मेरे पास जो बैकग्राउंड में मेरा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, यहां से रीड करता हुआ अंदर दाखिल होता है। इनिशियलाइजेशन हुई यानी कि बैकग्राउंड में एक मेमोरी रिजर्व हो गई ए के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू क्या रखी हुई है, वन। उसके बाद मेरा इंटरप्रेटर जब आगे बढ़ेगा वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या मेरा वन लेस देन और इक्वल टू टेन है। मेरा जो वन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली 10 से छोटा है, यानी कि ये मेरी कंडीशन टू है। अब मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि अब मेरा कंपाइलर कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है। तो मेरा कंपाइलर यहां नहीं जाता, ठीक है। फॉर लूप के अंदर मेरा कंपाइलर कंडीशन चेक करने के बाद डायरेक्ट नीचे आके स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है, और मेरे पास यहाँ पे नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉर लूप रन ए की वैल्यू क्या है, वन, वन प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये चीज प्रिंट होने के बाद जब मेरा कंपाइलर यहां से बाहर निकल के इस कर्ली ब्रैकेट के जरिए, अब ये देखें उल्टा जा रहा है, ये अब यहां से स्टार्ट करेगा ए प्लस प्लस से, ठीक है। फॉर लूप के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है जो इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही रीड होता है, उसके बाद दोबारा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद मेरा लूप सिर्फ इन दो स्टेप्स के बीच में चक्कर काट रहा होता है, ठीक है। अब ये बार बार स्टार्टअप ले रहा है फ्रॉम इंक्रीमेंट, ए की वैल्यू के अंदर जब स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट हो गई तो ये वैल्यू क्या हो गई, ए की टू हो गई। भाई यहां पे आके अगेन आकर कंडीशन चेक होगी, क्या 2 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आकर क्या प्रिंट होगा, फॉर लूप रन्स 2। अगेन जब ये ऊपर जाएगा यहां से ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, क्या 3 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आकर तीसरी टाइम ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, अगेन यहां से ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है, 4 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आकर अगेन स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अगेन नीचे आकर ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, नीचे आकर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, यानी कि ये तकरीबन 4 लेवल्स के 9 तक इसने प्रिंट कर दिया। लास्ट टाइम यहां पे कितने प्रिंट हुए, 9 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अगेन जब ये ऊपर गया ए की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। भाई क्या 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है, लेस देन नहीं है मगर इक्वल टू है, यानी कि अभी भी ये मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये 10वीं बार प्रिंट करेगा फॉर लूप को, जब अगेन ऊपर जाएगा, याद रहे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ए की वैल्यू क्या हो गई, 11 लेस देन 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10 है ही नहीं। जब ये कंडीशन फॉल्स नजर आएगी, मेरा कंपाइलर डायरेक्ट यहां से बाहर आके प्रोग्राम को बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। देखिए चीजें मेरे पास प्रिंट हो गई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वाकई वो उसने 11 किया था, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट में एक बार ए को दोबारा प्रिंट कर देता हूं लूप के बाहर, तो ए अपनी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि क्या हो चुकी थी, 11 हो चुकी थी, ये आ गया 11 साइड। क्लियर है, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म का, पक्का है, गुड। इसी तरह से मैं इसी प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करता हूं, ठीक है। क्या करता हूं, इसी प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस कर लेता हूं। मैं यहां पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के इसको मैं कर देता हूं कमेंट, सही है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करूं तो क्या करूं, फॉर सपोज कि मैं क्या कर लेता हूं, अब इस चीज का आउटपुट क्या आएगा मेरे पास,
एज इट इज सेम वही आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने किया क्या किया है कि पहले कंडीशन में डायरेक्ट 10 प्रिंट करवा रहा था, अब मैंने उसकी जगह वेरिएबल दे दिया क्योंकि 10 ऑलरेडी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, मेरे पास एज इट इज आउटपुट वही का वही आएगा, देखें सही है, क्लियर है। मैं और चेंजेस करता जा रहा हूँ इसी के अंदर, ठीक है, ये तो कुछ माइनर ही चेंजेस थी बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है भाई, मैंने दोबारा यहाँ पे लूप लगा दिया, अगर मैं फोर सपोज के लूप को कुछ इस तरह से चलाऊं कि लूप यहां पे कैसे चल रहा है, वन से लेकर टेन तक, मैं चाह रहा हूं टेन से लेकर वन तक चले, तो क्या करूंगा, मैं क्या कर दूंगा, ए को डायरेक्ट टेन असाइन कर दूंगा। टेन मेरा क्या है, बड़ा है वन से, क्योंकि अब ये उल्टा चेक करेगा, और फिर यहां पे ए को क्या कर दूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा, अब वैल्यू कम होती जाएगी, पहले टेन थी भाई, ए की वैल्यू क्या है 10, 10 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे अगर ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 10, ऊपर गया ए की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, 9 बड़ा है 1 से, नीचे अगर ए की वैल्यू 9 प्रिंट कर देगा, ऊपर गया ए की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, 8 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आकर 8 करेगा, यानी कि अब ये उल्टा प्रिंट करेगा, देखिए 10 से लेकर 1 तक आ गया, सही है, विद द हेल्प ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सही, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसके अंदर पोस्ट और प्री का कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मैंने अगेन एक दूसरा कंडीशन बना लिया, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इफ या लूप के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स करवाऊँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरह से, ताकि लूप चलाते वक्त आपको कोई मसला ना आए, सही है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, मैंने कुछ ऐसे कर दिया, अब मेरे पास वैल्यू क्या प्रिंट होगी, क्यों, वजह तो वाले ब्रैकेट में हो, इसमें क्या ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्या मतलब है, यहाँ पे मैथ्स का एक्सप्रेशन तो रही ना परफॉर्म हो रही, अकेला ही तो है प्रिंट हो रहा है सिर्फ, नहीं इसका आंसर चेंज आएगा, चलो मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आकर ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, क्यों, जबकि ए प्लस प्लस हो रहा है, तो अब नहीं 2 भी नहीं होगा। मैंने आप लोगों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी, पोस्ट और प्री का, ये पोस्ट है, पोस्ट के अंदर पहले वैल्यू प्रिंट हो जाती है, बाद में इंक्रीमेंट होती है, मेरा कंपाइलर रीड करता जाएगा, जैसे ही ए को रीड कर देगा ए की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो जाके प्लस प्लस को रीड करके क्या करेगा, ए के अंदर इंक्रीमेंट करके बैकग्राउंड में मेमोरी के अंदर वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा। अब जब ये यहां से ऊपर जाएगा तो ऊपर अगेन इंक्रीमेंट हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई 3, भाई 3 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आकर ए की वैल्यू यहां पे क्या प्रिंट करेगा 3, बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ए वैल्यू क्या हो गई 4, अगेन ऊपर जाके वैल्यू क्या हो गई 5 लेस देन 10 है, नीचे आकर ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 5, बाद में इंक्रीमेंट हुई ए की वैल्यू क्या हो गई 6, ऊपर जाकर इंक्रीमेंट हो गई ए की वैल्यू क्या हो गई 7, 7 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आकर ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 7, बाद में इंक्रीमेंट हो गई ए की वैल्यू बैकग्राउंड में मेमोरी में 8 हो चुकी है, अगेन जब यहां से ऊपर जाएगा ए की वैल्यू क्या हो गई 9, 9 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आकर ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा यहां पे 9, ए की अंदर इंक्रीमेंट हो गई ए की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर गया ए की वैल्यू क्या हो गई 11 लेस देन 10 है, कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये मेरा लूप 1 से लेकर 9 तक चीजें प्रिंट करेगा, 1 3 5 7 9, क्लियर, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म का, पक्का है, गुड। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को इवन नंबर्स प्रिंट, ये सॉरी ऑड नंबर्स प्रिंट करके दिखाए हैं, इसी तरह से आप मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है, और क्या टेबल्स भी बनाओ, जैसे 2 का टेबल होता है, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का, 9 का, 10 तक टोटल टेबल्स बनाने, ठीक है, मगर यूजर से इनपुट लेना है,
यूजर से आप जो भी नंबर इनपुट ले रहे हो ना वो मेरे पास टेबल प्रिंट हो जाए, फिर भले यूजर 100 इनपुट दे रहा है ना 100 का प्रिंट हो जाए टेबल, ठीक है। यानी कि एक ऐसा डायनामिक प्रोग्राम बनाओ कि मेरा लूप में चलना चाहिए मेरे यूजर इनपुट के हिसाब से, यूजर जो इनपुट देगा वही टेबल प्रिंट होना चाहिए टेबल फॉर्म में, यानी कि एचटीएमएल के टेबल फॉर्म में ही मेरे पास टेबल प्रिंट होना चाहिए। क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म का? पक्का है? गुड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे और देन व्हाइल एंड डू व्हाइल को भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।